Bonjour et bienvenue à French Learning Classes. Today I will teach you the French irregular verb, okay, which name is avoir. Okay, this is a irregular verb of French language, but it is very frequently used in the French verbs and it is very important as être verb. Okay, so जैसे être verb है, इसी तरीके से avoir भी बहुत important verb है और जो कि बहुत frequently used होता है फ्रेंच लैंग्वेज में. ठीक है, आपको हर जगह मिल जाएगा. सो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ब. सो द वर्ब अवॉर मीन्स टू हैव. ओके, व्हाट इज़ द मीनिंग टू हैव. ठीक है, इफ़ आई से आई हैव अ पेन, ओके, और आई हैव समथिंग. सो आई हैव, यू हैव, ओके, शी हैज़, ही हैज़. सो दिस इज़ हैज़ और हैव मीनिंग अवॉर. ओके, एत्र वर्ब को आप, अगर आपको एत्र वर्ब आपने नहीं पढ़ी है अभी तक, तो आप पढ़ लीजिए. यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, आप वहाँ क्लिक करके मेरी उस वीडियो को भी देख सकते हैं. तो यू कैन लर्न एत्र वर्ब ऑल्सो. ठीक है, सो वी स्टार्ट अवॉर वर्ब. सो नाउ वी हैव दिस फॉर्म. ओके, दिस इज सेंगुलिए एंड दिस इज प्लूरिए. ओके, विच इज सिंगुलर एंड प्लूरल. सो दीज आर द सब्जेक्ट नाउन्स, सब्जेक्ट प्रोनाउंस. ओके, je, tu, il, elle, nous, vous, il and elle. सो दिस मीन्स, je मीन्स आई, ओके, tu मीन्स यू, ये हमने पढ़ाई आई. ओके, सो je, tu, il, elle. अब इसका जो कॉन्जुगेशन है वो अवॉर वर्ब में कैसे होगा वो हम यहाँ देखते हैं. ओके, नाउ लेट सी द कॉन्जुगेशन ऑफ अवॉर वर्ब. सो फर्स्ट इज je. ठीक है, je में इसका जो कॉन्जुगेशन होता है अवर का, वो होता है ए आई. ओके, je ए, बट हेयर वी हैव वॉवल, सो दैट्स वाई वी रिमूव ई एंड एड दिस सिंबल एपोस्ट्रॉफी. ठीक है, इन फ्रंट ऑफ ए, सो दिस बिकम जे, दिस बिकम जे. सो वी आर मर्जिंग द साउंड. ओके, वी आर मर्जिंग द J and A here. Because of vowel, we remove E and add apostrophe. Okay, so this become J and A is a conjugation of je in avoir verb. Okay, now je, tu, a, tu, a, il, a, elle, a, nous, avons. ओके, नू आवो, वू आवे, इल जो एंड एल जो. ओके, नाउ हम इसको कैसे पढ़ेंगे, जे. ओके, जे, ट्यू आ, इल आ, एल आ, नू जावो. हियर वी मर्जिंग द साउंड. ओके, we are merging the sound s with a. Nous avons, vous avez. Okay, here is also do it the same. Vous avez, ils ont, ils ont, and same elles ont. Okay, in four of these we are merging the sound with s and a. Okay, because of liaison. So that's why we are pronouncing like this. Nous avons, vous avez, ils ont and elles ont. Okay, so it becomes, what is the meaning of this? Okay, so hum start karte hain first. Je, okay, which means I have. Okay, je means I and A means have. So je, I have. Now second is tu. Okay, tu, a. Tu means you, which is used in informal way. Tu are, you have. Okay, tu are, you have. Now il a, which means he has. Okay, il a, he has. L a, l means she has. Okay, l a, she has. Now we have nous. Okay, nous avons, which means, nous means we. So we have. Okay,
वी हैव नू जावो वू जावे यू विच इज यूज इन फॉर्मल वे वू यू हैव ओके वू जावे मीन्स यू हैव एंड द नेक्स्ट है इल्ज़ों ओके सो इल्ज़ मीन्स दे हैव ओके इल्ज़ों विच मीन्स दे हैव एंड एल्ज़ो विच मीन्स ऑल्सो दे हैव बट इल्ज़ों इज यूज फॉर मैस्कुलिन ग्रुप ओके एंड एल्ज़ों यूज इन फेमिनिन ग्रुप ओके सो नाउ वी विल रिपीट वंस अगेन जे ट्यू आ इल आ एल आ नू जावो वू जावे इल्ज़ों एंड एल्ज़ों ओके तो चलो अब हम लोग ना इस जो हमने वर्ब सीखा है अवार उसको हम एग्जाम्पल्स में देखते हैं जिससे आप लोग को अच्छे से समझ में आए ओके सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज ये द क्रेयों ओके ये द क्रेयों विच मीन्स ये मीन्स आई एंड ए जो कि अभी बताया था हैव ओके दिस इज अ वर्ब अवार ओके विच इज कंजुगेटेड विद ज ठीक है दैट्स वाई बिकॉज वी यूज ए हेयर ठीक है सो ये द क्रेयों आई हैव द मीन्स टू क्रेयों मीन्स पेंसिल्स ओके आई हैव टू पेंसिल्स हेयर हैव इज यूज फॉर ए ओके सो दैट मीन्स ये आई हैव टू पेंसिल्स ओके नाउ अगेन ये इन फ्लर She in fleur, which means I have a flower. I have a flower. ठीक है ये means I have. Okay, this is very simple. Because अगर आपने conjugation अच्छे से learn कर लिए तो it's not difficult. ये बहुत easy हो जाएंगे आपको conjugate करने में ठीक है किसी भी sentence में आप easily conjugate कर सकते हैं उसको Now I have in means a And फ्लोर means flower. तो I have a flower. Okay? ये in फ्लर And avar is used, also used to tell the age. Okay? If we tell our age or someone else age, so we use avar then. Okay? So ये ons on. Okay? That means I am 11. Ons means 11 years old. Okay? ये owns on. I am 11 years old. Okay, here we use am. So that doesn't mean that we use verb être. No. Here we use verb avoir because avoir is also used to tell the age. Okay. So ये owns on. I am 11 years old. So ये ना आपको vocabulary में भी help करेगा. बिकॉज आप हर सेंटेंस के साथ एक नई वोकैबुलरी नया वर्ड सीखते हैं जैसे लाइक दिस क्रेयों ओके विच मीन्स पेंसिल्स ओके एंड हियर फ्लर विच मीन्स फ्लावर ओके तो इस तरीके से आप वोकैबुलरी भी इसमें यू नो सीखते हैं तो आपकी स्पीकिंग स्किल्स में यू नो फ़ायदा होगा इसमें आपको ठीक है बेनिफिट मिलेगा हियर वी हैव एन एक्सरसाइज ओके दिस इज़ अ फिल इन द ब्लैंक्स विच वी पुट द वर्ब एट अवर ओके सो फर्स्ट सेंटेंस इज नू डैश ले गॉम ओके नू डैश ले गॉम सो नू के साथ क्या कॉन्जुकेशन होता है अवर का वॉट इज द कॉन्जुकेशन ऑफ वर्ब अवर विद नू इज नू जावो ओके नू जावो ले गॉम विच मीन्स वी हैव द गम्स ओके गॉम्स वर्ड means gums as well as eraser okay we use gum with both of them okay gums as well as eraser so you can note it down this vocabulary gum okay nous avons les gums now second one is pierre et sa soeur dash un petit chat okay pierre et sa soeur that means pierre And his sister, okay? Pierre is one person and his sister. So they are two person and one is male and second is female. So that's why we use here ils, okay? We use conjugation with ils.
and this is the plural, then we used ils ont. Okay, समझ में आया आप लोगों को? पियर और उसकी सिस्टर, ठीक है, दैट मीन्स टू पर्सन हो गए इधर. सो जब दो पर्सन होते हैं तो ऑब्वियसली ये प्लूरल है, और प्लूरल में हम मैस्कुलिन या फेमिनिन कौन सा यूज़ करेंगे? तो इफ़ वी हैव मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बोथ, देन वी यूज इल. ओके, सो हियर वी कॉन्जुकेट अकॉर्डिंग टू इल्स. इल्स ऑन अं पेटिचा, दैट मीन्स दे हैव अ लिटिल कैट. ओके, पियर इज अ सर ऑन अ पेटिचा, दैट मीन्स दे हैव अ लिटिल कैट. ओके, शा वर्ड मीन्स कैट. ठीक है, नाउ थर्ड एग्जाम्पल, जे. ओके, हियर जे अपोस्ट्रोफ, सो ऑब्वियसली आई एम टेन ईयर्स ओल्ड. ओके, सो वी यूज ए बिकॉज ऑफ जे. जे डिजों. नाउ फोर्थ वन, वू डैश अ स्टिलो. ओके, वू मीन्स यू, ठीक है, विच इज यूज फॉर फॉर्मल वन. राइट, सो वू जावे अ स्टिलो. यू हैव अ पेन. ओके, यू हैव अ पेन. वू जावे अ स्टिलो. ठीक है, सो नाउ फिफ्थ वन इज, ठीक है, मारी डैश द जोली काइए. ओके, मारी डैश द जोली काइए, विच मीन्स, सो हियर मारी, ठीक है, मारी इज अ फेमिनिन. ओके, मारी इज अ फेमिनिन बिकॉज शी इज अ गर्ल. ठीक है, तो वी यूज द कॉन्जुकेशन अकॉर्डिंग टू एल. ओके, सो वॉट वी यूज विद एल? एल आ. ओके, एल आ. सो हियर वी यूज अकॉर्डिंग टू एल बिकॉज मारी इज अ फेमिनिन वन. राइट, सो मारी आ द जोली काइए. ठीक है, विच मीन्स मारी हैज अ प्रीटी नोटबुक्स. जोली मीन्स प्रीटी एंड काइए मीन्स नोटबुक्स. ओके, मारी हैज अ प्रीटी नोटबुक्स. नाउ सिक्स वन, ट्यू. ओके, ट्यू डैश इन बेल मेजों. ट्यू डैश इन बेल मेजों. ओके, सो ट्यू के साथ हम क्या कॉन्जुगेशन करते हैं? आ. ओके, सो यहाँ पर क्या है कि जो आ एंड आ है, इसकी दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है एंड इवन मीनिंग आर ऑल्सो सेम, बट ही हैज़ अ डिफरेंस ऑफ एस ओनली. ओके, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट प्रोनाउन. सो हियर विद ट्यू वी यूज आ. यू हैव अ ब्यूटिफुल हाउस. ठीक है, मेजो मीन्स हाउस. ओके, मेजो मीन्स हाउस एंड बेल मीन्स ब्यूटिफुल. सो यू हैव अ ब्यूटिफुल हाउस. ट्यू आर इन बेल मेजो. सो ये थी आज की आपकी वर्ब अवार. ठीक है, ये अवार एंड एत्र, बोथ द वर्ब आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्पीकिंग एंड राइटिंग फ्रेंच बिकॉज दिस इज अ वेरी बेसिक वर्ब. ठीक है, तो अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा देन यू आप मतलब धीरे धीरे उसको प्रोग्रेस कर पाएंगे उसमें. ठीक है, किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए अकॉर्डिंग टू द होल बेस तभी हम उसमें धीरे धीरे बढ़ पाते हैं. ठीक है, सो ये आपकी जो अवार वर्ब है जो मैंने आज बताई है, उसके पहले मैंने एत्र वर्ब बताई थी, जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वो आप वहाँ से देखिएगा. इट इज़ वेरी मस्ट, सो जिससे आपको अच्छे से समझ आए. तो एत्र एंड अवार दोनों की प्रैक्टिस कीजिए, उसमें एक्सरसाइज हैं बहुत सारी, गूगल से आपको ईजिली मिल जाएगा. ठीक है, तो वहाँ से आप एक्सरसाइज कीजिए, उसको प्रैक्टिस कीजिए, और ये बहुत सिंपल, बहुत ईजिली लर्न हो जाता है. बस इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस आपको ईजिली लर्न करके ध्यान रखना है. ठीक है, कि कौन सी सब्जेक्ट प्रोनाउन के साथ कौन सा कॉन्जुगेट हो रहा है, किस तरीके से कॉन्जुगेशन हम करते हैं. ठीक है, सो दिस इज़ वेरी सिंपल एंड आप इसको लर्न कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. ठीक है, एंड लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स. सो ओके, दैट्स इट फॉर टुडे. मैसी बुक.